एरिया 51। जी हाँ दोस्तों, ये नाम सुन के आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो जरूर आता होगा कि क्या है एरिया 51 और क्या है इसके पीछे का राज। आज हम इस वीडियो के जरिए आपको एरिया 51 के बारे में कुछ ऐसे राज बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक का मेरे साथ। मेरा नाम हर्ष, आप देख रहे फैक्ट जोन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ की जो एयरफोर्स है उनके कुछ बेसेस हैं जिनमें से एक है एरिया 51। यहाँ पर बहुत टाइप की रिसर्चें होती हैं और एयरफोर्स अपने हथियारों की टेस्टिंग करती है और न्यू वेपन्स का इन्वेंशन भी करती है अमेरिका की सिक्योरिटी को हाई करने के। दोस्तों 2005 तक का तो किसी को पता भी नहीं था कि एरिया 51 क्या है और यहाँ पर होता क्या है। फिर 2005 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसे रिवील किया, मगर उन्होंने पूरी सच्चाई नहीं बताई कि एरिया 51 में क्या होता है। आज हम इस वीडियो के जरिए आपको एरिया 51 के अंदर चल रही अनजान चीज़ों के बारे में बताएंगे। एरिया 51, ये जगह अमेरिका के साउथ नेवाडा में है। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता और अगर एरोप्लेन भी उधर से आ रहा होता है तो उसके पायलट को दूर से ही वार्निंग दे दी जाती है कि यहाँ से वापस हो। दोस्तों एरिया 51 में उन गिने चुने साइंटिस्टों को लेते हैं जिनको शपथ दिलाई जाती है कि इसके अंदर चल रही चीज़ों को अपनी फैमिली के साथ भी शेयर नहीं कर सकते और यहाँ रूल है कि एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट से बात भी नहीं कर सकते। अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये झूठ बोला है कि एरिया 51 में सिर्फ हथियारों की टेस्टिंग होती है, मगर कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ UFO देखा गया है और UFO देखा है तो उसके साथ एलियंस भी होंगे। तो एलियंस वहाँ करने क्या आते हैं? बॉब लेजार, जो 1989 से कहते आ रहे हैं कि उन्होंने एरिया 51 में काम किया है और ये भी बताया है कि वो एरिया 51 के एस कंपार्टमेंट में एलियन स्पेसशिप की टेक्नोलॉजी पर काम किया करते थे। इन्होंने ये भी बताया है कि इन्होंने अपने सामने UFO बनते देखा है और ये बताए हैं कि वो चलती कैसे है। अमेरिकन गवर्नमेंट इस बारे में क्यों नहीं बताती? कुछ लोगों का तो कहना है कि एरिया 51 में UFO भी क्रैच हुआ है जिसकी वजह अर्थ का एटमॉस्फेयर था। UFO ग्रेविटी बर्दाश्त नहीं कर पाई और क्रैश हो गई और उसमें एलियंस भी मिले जिसमें कुछ मर चुके थे और कुछ घायल थे। एलियंस जो मर चुके थे उनका पोस्टमार्टम किया गया और जो घायल थे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। एक साइंटिस्ट ने तो एलियन की फ़ोटोज़ को भी लीक कर दिया था जो कि 200 साल का था। जब उस फोटो पे रिसर्च की गई तो पता चला कि वो फोटो एकदम रियल है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताइएगा और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।